नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जीरो ग्राउंड में। और जीरो ग्राउंड का ये काफिला इस वक्त मुलाना के अंदर है। समस्याओं की हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, समस्याएं बनी रहती हैं। मुलाना की जनता ने क्या कुछ यहां पर देखा, सबसे पहले मुलाना की जनता से बात करते हैं संयम के साथ। कुछ समस्याएं क्या मुलाना के अंदर, क्या कुछ समस्याएं? मुलाना के अंदर कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे की लाइट चल रही है, 24 घंटे में पानी चल रहा, कोई समस्या नहीं मुलाना के अंदर। मुलाना के अंदर कोई समस्या नहीं, सब कुछ समस्या ही समस्या है, सारी समस्या, सारे गांव में घूम गए, बोले पानी पानी खड़ा, गोटा गोटा खड़ा, और नौकरी वाद में परिवारवाद है, पर एक परिवार को दो दो लग रहे, एक परिवार में से कोई बच्चा लग रहा, कुछ नहीं लग रहा अभी बिल्कुल। सर कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे लाइट है, मारकंड का पुल बढ़ गया, हर घर में से एक नौकरी लग रही है, सारे मजी आते हैं जी। कोई समस्या नहीं मुलाना के अंदर, 24 घंटे लाइट, हाँ जी, कोई समस्या नहीं, इतना काम करा, 24 पुल चल रहे, जिसे कोई साफ ही नहीं है जी। हाँ जी, कोई काम नहीं हुआ, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं हुआ, कुलचंद मुलाना ने कोई काम नहीं कराया। उसके बाद राजवीर यहाँ कैंडिडेट था, वो कहता कि मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ, मेरा नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एमएलए की जो दीदी है वो मिलनी मिल रही है, मादा विकास कराने को होना चाहिए, यहाँ ईमानदार साफ सुथरी छवि का और काम करने वाला लोकल नेता चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं तीन चार सवाल करूंगा। मुलाना के अंदर बिजली पानी सड़कों की व्यवस्था कैसी है? बिजली पानी सड़कों की एजुकेशन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है बढ़िया काम रहा। इस बार इनेलो का विधायक है, जिस वजह से मुलाना हल्का मैं मानता हूँ पिछड़ गया, लेकिन उसका कारण है INLD का विधायक। बिजली पानी सड़कों की व्यवस्था बहुत बेहतर है मुलाना के अंदर। नहीं यार, यहाँ पे सड़कें सारी चौड़ी बनी हुई है और यहाँ पे गलियां सभी पक्की हैं। चौधरी फूलचंद मुलाना और कांग्रेस सरकार ने मुलाना में बहुत अच्छा विकास करवाया है, 24 घंटे यहाँ पे लाइट की। चलिए जी, 24 घंटे लाइट मिलती है, युवाओं को क्या मिलता है, यहाँ की शिक्षा का स्तर कैसा है? सर यहाँ पे सुबह 7 बजे के बस स्टैंड में जाते हैं, 9:30 बजे के पास बस मिलती है, बसों में इतनी भीड़ होती है कि स्टूडेंट नीचे गिर जाते हैं, तो एक्सीडेंट भी कहीं एक्सीडेंट होता है। और अगर यहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी थी, जीएम को भी एप्लीकेशन दी थी और फूलचंद जी को भी एप्लीकेशन दी, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा पुलिस प्रशासन ने साथ दिया था, पर कोई जीएम से उनके ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया हमारे। और आज बसे वालों को देते हैं, बस चलाएंगे ईंट वाले, जब हम बस रोकते हैं तो कोई नहीं रोकता, जब ईंट उठाते हैं तो फिर बस वालों थाने वाली साइड लेके आ जाते हैं हमारी। मैं आपको एक वास्तविकता बताना चाहता हूँ, मुलाना हलके से जो इस वक्त विधायक, वर्तमान विधायक हैं, वो श्रीमान राजवीर बराड़ा जी हैं। श्रीमान राजवीर बराड़ा जी के कार्यकाल में एक भी कार्य मुलाना के अंदर हुआ हो तो मुझे स्पष्ट बताएं। चौधरी वरुण चौधरी के इतने कार्य हुए हैं। राजवीर विधायक जी तब काम करेंगे अगर फूलचंद जी छोड़ देंगे सरकार, तो पैसा तो वही से वही दो लेते हैं। हैं जी, पैसा तो वही से वही दो लेते हैं। आप बताइए मुलाना के अंदर क्या कुछ माहौल नजर आता है? ऐसा सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप पहली बार हमारे मुलाना में आए हैं, जनता टीवी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आगे भी कहते हैं इसी तरह आते रहेंगे। रही बात काम की, सर जब नलो की सरकार थी सबसे ज्यादा यहाँ काम मुलाना में हुए थे, बराड़े में भी हुए थे, ठीक है, साल सिंह बना था उसने पुल वहां बनवाया था, चौधरी फूलचंद बने उन्होंने मुलाना में बनाया, और आगे भी जब भी यहाँ सरकार आएगी तो सबसे ज्यादा काम हमारे मुलाना में होंगे। सर जैसे के अंदर युवाओं को रोजगार मिला या नहीं मिला? जैसे ये बोल रहे हैं कि राजवीर बराड़ा ने मुलाना में कोई काम नहीं किया, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उन्होंने बिगाड़ा भी किसी का कुछ नहीं है, मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुलाना के अंदर कितने काम हुए कितने नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी? स्वास्थ्य सेवा बहुत बढ़िया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वास्थ्य में बहुत ध्यान रखा हुआ है, विकास कार्य में बहुत ध्यान रखा हुआ है। मुलाना के विकास चौधरी फूलचंद मुलाना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, कांग्रेस ने किया, इसलिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार, और मुलाना का पूरा विकास एक इंच जो भी लिखे है मुलाना साहब नहीं लगाया। मुलाना के अंदर बहुत विकास हुआ, मुलाना की जनता खुश है, मुलाना की बिल्कुल खुश है जी, जितना भी काम किया है फूलचंद मुलाना जी ने किया है, किसी और पार्टी आपके विधायक ने क्यों कुछ नहीं किया? मुलाना हल्के के अंदर, मुलाना से जुड़े हुए हल्के के गाँव के अंदर बहुत विकास किया है चौधरी फूलचंद मुलाना जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितना विकास हल्के मुलाना के अंदर हुआ है इतना विकास का भी नहीं है। और जी ग्राउंड लेवल पे तो हर जगह विकास होता है, लेकिन जो हमारे बेरोजगार भाई या युवक है वो कहाँ जाएंगे नौकरियों के बारे में? एक एक जो पुलिस में भर्ती होने गया था 20-20 नंबर ले गया फिजिकल में, लेकिन लगते वही है उधर रोहतक के जिले को सीएम चाहता है, हमारे फूलचंद मुलाना भी सेकंड सीएम रही है, बताओ तो किसको नौकरी लगवाई आज तक, किसको नौकरी मिली? नौकरियों के नाम पे यहाँ पे सिर्फ धोखा मिल रहा है और कुछ नहीं,
और फूलचंद जी से नौकरी दिलवाता है उनका पीए उनसे हटा देता है, यानी कि फूलचंद से ज्यादा तो उनके पीए की चल रही है। और फूलचंद उपाध्यक्ष होकर अगर नौकरी नहीं लगवा सके तो क्या एक एमएलए होकर नौकरी लगवा देंगे? कांग्रेस जहां भी है वहां गंदगी फैली हुई है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं जी, कुछ कह रहे थे बताइए। यहाँ पे जो भी काम हुआ है सारे चौधरी फूलचंद ने करवाया है। चलिए जी, यहाँ पे जो भी काम हुआ सारे कांग्रेस की सरकार में हुआ। चलिए, कांग्रेस की सरकार में बहुत काम हुए, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हुए बहुत सारे, लेकिन नौकरियों में भेदभाव किया गया क्या? नौकरियों में भेदभाव है और मुलाना के अंदर हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है, लेकिन ये है जो कुछ भी यहाँ हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है। लेकिन जी कांग्रेस के राज में बहुत विकास हुआ है? नहीं जी, कोई विकास नहीं है, 10 साल के शासन काल में कोई विकास नहीं हुआ, खत्म है जी। और भी लोग बोलेंगे क्या 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 नौकरियाँ यहाँ के युवाओं को ठीक से मिली? सर नहीं सर, नौकरियाँ कोई नहीं मिल रही सर, यहाँ पे सभी युवा वेस्ट हो रहे हैं सर, घर पर के वेस्ट घूम रहे हैं सर। सुनो 1972 से लेकर आज तक किसी पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया, छोटे छोटे दल आए ऐसे ही चले गए। चौधरी आपका कहने का मतलब सारी सरकार है किसी ने कुछ नहीं किया, नेताओं के वादे? चौधरी फूलचंद ने काम किया है यहाँ पर, जितना विकास हुआ उनके टाइम में हुआ। आपके विधायक कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, सरकार कुछ देगी तभी तो काम करेंगे। मैं सर आपको कुछ मिलता तो है नहीं, फंड तो मिलता नहीं है तो कहाँ से करेंगे? किसने कह दिया आपको विजेता विधायक को फंड नहीं मिलता? हरियाणा में विधायक को फंड नहीं मिलता किसी तरह का, आपको मालूम होना चाहिए। फंड मिलता है सर, किसने कह दिया फंड नहीं मिलता? हरियाणा में विधायक को चौधरी फूलचंद मुलाना जी ने हारने के बाद भी मुलाना मारकंडे का पुल का निर्माण किया, गलियों का निर्माण किया, 24 घंटे बिजली दी। हारने के बाद भी और राजवीर बराड़ा ने जीतने के पश्चात भी एक भी कार्य मुलाना के अंदर नहीं किया, एक भी कार्य नहीं हुआ मुलाना के अंदर। हाँ जी ऐसा है, आज जब जो भी काम हुए चुटाले की सरकार आई तो कोई काम नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार आने में 91 से 95 लग 2000 से 2014 लग 2005 से जो ये आज बिजली पावर हाउस और 24 घंटे की लाइट ये गलिये ये सब मुलाना साहब की देन है। चलिए जी सर, एक मिनट, फूलचंद जी ने कुछ नहीं करवाया, कलालटी के अंदर हिंदुओं का डंडा बरसवाया, मैं एक मैजर बनवाएगा वहां से मुसलमान और जो हिंदू तरह और गौ माता की बात करेगा वो इस सरकार में लाने में आवाएगी। जी देखिए मुलाना एजुकेशन आप जानते हैं, मुझे सिर्फ इतना कहना है फूलचंद मुलाना जिंदाबाद, एमएम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। चौधरी फूलचंद मुलाना जी ने जितना भी मुलाने हल्के के विकास कार्य है चौधरी फूलचंद मुलाने ने किया है, एक एक ईंट पे नाम फूलचंद मुलाने का नाम लिखा पूरे हल्के के अंदर, बहुत सारे काम किए यहाँ पर, बहुत सारे कुछ भी नहीं किया फूलचंद मुलाना ने, विधायक ने कुछ बिल्कुल जीरो कुछ नहीं किया, मौजूदा विधायक ने उसके पास है कुछ नहीं, आप इस रोड से आए उसका जो भी पास आता हूँ उसको वापसी ले सकता है। इस रोड से आए होंगे आप यमुनानगर अम्बाला से, आपने हाल तो देख लिया होगा और आप उधर भी गए होंगे रोहतक साइड, रोड आपने उधर भी देखे होंगे। नौकरियों भेदभाव है सर, आपको भी पता है रतिया में कितना परसेंट का आरक्षण है, और भी बहुत सारे लोग हैं सभी से जानने की कोशिश कर जी। कांग्रेस सरकार ने कोई भी काम नहीं कराया अभी तक, मुसलमानों ने कांग्रेस ने आज तक सरकार की है, जितना राज काम हुआ कांग्रेस का हुआ, हर गांव में चले जाओ पत्थर कांग्रेस का ही मिलेगा, कोई ले लो पत्थर लगवाने से लोगों को रोटी नहीं मिलती, पत्थर पे बैठ के रोटी नहीं खाई जा सकती, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कोई भी विकास बेकार है फालतू का है, क्योंकि लोग यहाँ पे अगर ये एमएम कॉलेज यहाँ नहीं होता तो यहाँ के टोटल लड़के जितने भी आसपास के गांव के हैं बेरोजगारी में हर रोज खुदकुशी करते, कहीं पे सड़कों पे मरते। और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोगों से जानते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा जी। आज का युवा वर्ग बेरोजगार है और स्वास्थ्य की भी कुछ सुविधा नहीं है यहाँ, व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल बेकार है, कहीं भी चले जाइए प्राइवेट डॉक्टर अपनी मनमानी से फीस ले रहे हैं, इमरजेंसी फीस अलग लेते हैं और सारी तरह की यहाँ पे असुविधाएं हैं। और यदि विकास देखा जाए ऐसे विकास का क्या महत्व जब तक युवा वर्ग बेरोजगार है? क्या बात सर, एक तो रोड यहाँ पे बिल्कुल डबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होते, रोज एक्सीडेंट होते सर मारकंडे रोड पे, कोई खेल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे सर ऐसे घूमते, कोई बड़ा प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, प्ले ग्राउंड होना चाहिए बच्चों खेलने के लिए, बाकी विकास बहुत हुआ है पर ना प्ले ग्राउंड बना हरियाणा में विकास केवल रोड तक ही हुआ है यहाँ और किसी एरिया का विकास नहीं किया गया। चलिए ये सारी बातें आपने सुनी, विकास हुआ विकास नहीं हुआ, फूलचंद मुलाना ने किया मौजूदा विधायक ने नहीं किया, मौजूदा विधायक कहते हैं कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, सरकार भेदभाव करती है,
बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, विपक्ष के पास एक सवाल के उनको कुछ नहीं दिया जाता, जब वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। सरकार के भी कुछ लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं भेदभाव के। रोहतक में विकास हुआ, ये हर जगह आवाज सुनने के लिए मिलती है। आखिर समझ में नहीं आता कि रोहतक में किस तरह का विकास हुआ, क्योंकि रोहतक के लोग भी कह देते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मुलाना की बात की जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा है, तो कहीं किसी के लिए बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे मसले हैं। जी आप कुछ कह रहे थे गाड़ी रोक कर। मेरा नाम जगमोहन जैन है, आप इधर बोलिए। मेरा नाम जगमोहन जैन है, मैं मुलाना से हूँ। विकास के बारे में आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? आपको मुलाना के अंदर विकास नजर आया है? नहीं, मुलाना के अंदर विकास बहुत कम हुआ है। विकास जाके देखना तो आप रोहतक में, झंझर में, सोनीपत में, जहाँ देखो वहाँ जाके आप सब सभी जगह से एक बात निकल कर आती है कि विकास वहाँ जी, जो नौकरियाँ हैं अम्बाला जिले के, कुरुक्षेत्र के, करनाल के, जितने हमारे उत्तरी हरियाणा के जिले हैं, इनके साथ भेदभाव हुआ है। सिर्फ हुड्डा ने अपने आदमियों के लिए नौकरियां दी है वहाँ। चलिए ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जितने चीजें यहाँ पर लोगों के बीच में तमाम तरह की बातें आती हैं, तमाम तरह के लोग सवाल उठाते हैं सरकार पर, मौजूदा विधायक पर, चाहे वो पार्टी के हो चाहे ना हो, लेकिन सभी जगह से बात वही आती है। बार बार मैं कहता हूँ कि बड़ा गजब किया जो तेरे वादों पर यकीन किया, जनता यही कहती है। लेकिन एक बार फिर से जनता के हाथ वादों का झुंझुना थमाया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि जनता वादों पर यकीन करती है या फिर जिन चीजों को हकीकत मिली है उस पर। अपने कैमरा पर्सन राहुल गुप्ता, अपने सहयोगी कोहली और विक्रम के साथ मैं नासिर कुरैशी मुलाना से। चलिए नासिर, बहुत ही शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।